हेलो दोस्तों, हाउस प्लान यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज तो ट्राइंगल है, मतलब सारी साइजें अलग अलग है, लेकिन साउथ और वेस्ट दोनों साइड उसके रोड है। साउथ भी रोड है और वेस्ट भी उसके रोड है। और प्लॉट की जो साइज है वो ट्राइंगल है, वो भी आपको मैं अलग अलग बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाले बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें और शेयर ना करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसकी जो ईस्ट की तरफ से जो है वो 37 फीट है जो प्लॉट की साइज है। साउथ की तरफ से ये देखिए 35-35 फीट है और इधर वेस्ट की तरफ से 39 है और नॉर्थ की तरफ से 46 फीट बाई 3 इंच है। ठीक है, तो मतलब प्लॉट की साइज है सारी अलग अलग है, लेकिन साउथ और वेस्ट इन दो साइड है रोड है। ठीक है दोस्तों, इधर साउथ भी रोड है और इधर वेस्ट में भी उसके रोड है। ठीक है, मतलब कॉर्नर प्लॉट है। तो ये देखिए साउथ, पहले वापस बता दूँ, वेस्ट वाली ये देखिए 39 फीट, साउथ वाली 35 फीट, नॉर्थ वाली 46 फीट 3 इंच और ईस्ट वाली 37 फीट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए साउथ की तरफ से ये देखिए 10 फीट का आपका मेन गेट आ रहा है और पार्किंग आ रहा है, उसके बाद में आपके 16 फीट ऐसे लंबाई के अंदर 16 बाई, ये आप देख सकते हो, यहाँ से टोटल कर सकते हो 2 फीट 4 इंच 4 और 2 फीट 4 इंच। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 10 फीट 8 इंच का 16 फीट ऐसे और 10 फीट 8 इंच का ऐसे आपका ये पार्किंग है। ठीक है, जो कि आराम से कम्फर्टेबल है। उसके बाद में जैसे देखिए बाहर से स्टेयर जा रही है, यहाँ से 5 फीट का डोर है और यहाँ 5 फीट का डोर के ये 5 फीट का स्पेस है और यहाँ से अप करेंगे और यहाँ डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अप डाउन ये चलता रहेगा, रेंट के हिसाब से ये बनाया गया है। ठीक है, आप इसको रेंट पे भी दे सकते हो, ऊपर का फ्लोर चाहो तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सारे रेंट पे दे सकते हो सेम बना के। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 फीट का स्पेस है अप और डाउन और ये पार्किंग हुई है। उसके बाद में ये देखिए आपको मेन डोर आ रहा है 4 फीट का और दोनों तरफ 2 फीट 4 इंच 2 फीट 4 इंच की विंडो आ रही है। ठीक है, ये देखिए आ रही है 2 फीट 4 इंच 2 फीट 4 इंच। जैसे हम मेन डोर खोलेंगे तो 9 बाई 8 फीट 8 इंच का होल आ रहा है, छोटा सा ये होल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 9 बाई 8 फीट 8 इंच का। उसके बाद में ये देखिए होल के जस्ट उधर देखिए 3.5 फीट का डोर और एक किचन आ रहा है आपका, 10 बाई 9 का किचन है, 9 बाई 10। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एकदम वर्गाकार, मतलब आयताकार जो भी है, मतलब सीधा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ट्राइंगल जितने भी है वो सारे छोड़ दिए गए। ये देखिए इधर से यहाँ से स्टार्ट किया, इस कॉर्नर से एकदम सीधा, तो ये 5 फीट जगह बच गई। यहाँ इस यहाँ से देखिए तो ये एकदम सीधा है कंस्ट्रक्शन, ये बीच में देखिए जगह छूट रही थोड़ी थोड़ी, यहाँ से सीधा किया तो ये देखिए 5 फीट 7 इंच। तो जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है वो सीधा हो रखा है, बाउंड्री वॉल होगी वो आप अपने प्लॉट के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए इसके बाद में ये होल आ गया 9 बाई 8 फीट 8 इंच का और उसके जस्ट पास में ये देखिए 3.5 फीट का डोर है और किचन आ रहा है आपका 9 बाई 10 का, 9 फीट ऐसे 10 फीट ऐसे और यहाँ से ये 5 फीट का एकदम खुला रहेगा और ये आपका डाइनिंग आ रहा है 8 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का। ठीक है, ये आपका डाइनिंग यहाँ पर भी है किचन के अटैच के अंदर, तो आपको हॉल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हॉल के अंदर आप सोफा वगैरह लगा सकते हो इतनी सी जगह में। और ये जो पीछे जगह बच रही है उसके अंदर जाने के लिए देखिए किचन से 2.5 फीट का डोर दे रखा है और ये जो हमारी स्पेस बची उसी के अंदर ये देखिए डाइनिंग की 4 फीट की विंडो और किचन की 4 फीट की विंडो इधर निकाली हुई है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए ये हॉल आ गया, हॉल से ये देखिए 2.5 फीट का डोर है और आपका टॉयलेट आ रहा है। इसके अंदर देखिए टॉयलेट के अंदर 3 बाई 4 का OTS दे रखा है, ओपन टू स्काई वेंटिलेशन के लिए। देखिए 4 फीट 4 इंच यहाँ से और 8 फीट 6 इंच यहाँ से और ये 5 फीट 1 इंच। ठीक है, और यहाँ से ये 4 फीट, तो टोटल आप मान के चलो तो 4 4 8 9 बाई 8 का अगर 5 7 6 मान लो, मतलब 9 बाई 6 का लगभग आपका टॉयलेट है। ठीक है, यहाँ से 4 फीट 4 इंच है, ये 8 फीट 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 फीट 1 इंच है, फिर ये 2.5 फीट का डोर है क्योंकि OTS दे रहेगा बीच के अंदर। ठीक है, और फिर ये हॉल और ये 3.5 फीट का डोर और ये आपका बेडरूम आ रहा है 12 बाई 13 फीट 1 इंच का, 12 फीट ऐसे 13 फीट 1 इंच ऐसे। और जो OTS है उसके अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से ये देखिए 2.5 फीट का डोर दे रखा है और इस बेडरूम की विंडो 4 फीट की इधर दे रही है सामने रोड की तरफ। ये हमारी स्पेस अभी पड़ी है 5 फीट 7 इंच यहाँ से देखिए। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए पश्चिम दिशा की तरफ से ये 2 दुकान निकाली हुई है, शॉफ 10 बाई 12 की 10 बाई 12 की, जिसके 9 फीट के सेटर है। ठीक है, तो 2 शॉफ है और 1 BHK का फ्लैट है और स्टेयर बाहर से निकल रही है। तो ये देखिए 10 बाई 12 10 बाई 12 का, ठीक है, 2 शॉप निकाली गई है दुकानें वे पश्चिम दिशा की तरफ से और जो घर की एंट्री है वो आपके साउथ की तरफ से, मतलब दक्षिण की तरफ से। ठीक है, यहाँ से पश्चिम दिशा से देखिए घर की एंट्री नहीं है, घर के अंदर जाने के लिए आपको जो साउथ है दक्षिण दिशा है वहाँ से जाओगे,
यहाँ जो पश्चिम दिशा है उसकी तरफ से दो दुकानें हैं, ठीक है, 10 बाय 12 की, 10 बाय 12, और फिर यहाँ से एंटर करोगे तो स्टेयर है, वो देखिए बाहर से ही दे रखी है इसके अंदर। ये आपका पार्किंग है, काफ़ी बड़ा है आपके, ये देख लो ना, 8 फीट 8 इंच बाई 16 फीट का पार्किंग है, और सॉरी द द 4 4 10 10 फीट 8 इंच, सॉरी नाम आ गया, 10 फीट 8 इंच ऐसे और 16 फीट ऐसे लंबाई के अंदर, ठीक है। तो ये आपका पूरा पार्किंग हो गया, फिर ये 5 फीट का स्पेस, और यहाँ से अप और यहाँ डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन, ये चलता रहेगा। आप अगर रेंट पे अगर इसको कितने फ्लोर बनाओ तो फिर ये मेन डोर, ये हॉल, ये किचन, ये डाइनिंग, और ये जाने पीछे वाली जगह जाने के लिए किचन से डोर दोनों तरफ, यहाँ 4 4 फीट की विंडो, ये हॉल हो गया, और सॉरी ये हॉल से ये देखिए टॉयलेट, ये उसके यहाँ हॉल से बेडरूम का सारे मतलब डोर हॉल से निकल रही है, ये देखिए किचन का डोर यहाँ से, टॉयलेट का यहाँ से, और बेडरूम का यहाँ से, और बेडरूम से इस ओटीएस का डोर, ये 2.5 फीट का, ठीक है, 3 बाई 4 का ओटीएस दे रखा है, ताकि टॉयलेट का ये देखिए 2 2 फीट का वेंटिलेशन जो है ना वो इसके अंदर निकल सके, जो भी गंदगी वगैरह हवा हो वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने इस प्रकार डिज़ाइन किया है, और बेडरूम की जो साइज़ है 12 बाई 13 फीट 1 इंच है, और 3.5 फीट का इसका डोर, और 4 फीट की विंडो इधर पश्चिम दिशा की तरफ है। तो घर की एंट्री दक्षिण दिशा की तरफ, और पश्चिम दिशा की तरफ जो रोड है उसकी तरफ सिर्फ दो शॉप जो दुकान है वो बनी हुई है। तो ये देखिए एक साथ आप इसको देख सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने इस प्रकार डिज़ाइन किया है, और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएँ, और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, जो लाल बटन है उसको दबाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर उसके पास में जो बेल आइकन आती है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकोगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं वीडियो डालूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।